मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस फिल्म में एज अ परफॉर्मर उस डिबेट को ख़त्म करना कि भाई हिमेश को एक्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर. सो बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं लोगों के, विच आई अप्रिशिएट यू नो. बट कहीं ना कहीं पिक्चर का बिजनेस भी होता रहा है, कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली. एक्सपोज में मुझे काफ़ी क्रिटिक्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, उसकी सीक्वल भी बनने जा रही है. सो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैं बार बार सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट कमिंग थ्रू द रेगुलर रूट. एक जर्नी जो है वो बहुत ही एक स्ट्रेट एक्टर की जर्नी नहीं है. एक म्यूजिशियन है जो एक्चुअली सीरियल प्रोड्यूसर बन जाता है पहले, फिर उसके बाद एक म्यूजिक कंपोजर, सारे गाने हिट हो जाते हैं, सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हिट हो जाती है, सिंगर के तौर पे बहुत कामयाबी मिली. एंड देन आई बिकेम एन एक्टर एंड देन उसमें उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं. रीइन्वेंशन किया है अपने लुक्स को लेकर, अपने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, बिकॉज आई बिलीव दैट वो एक फ्राइडे की तलाश होती है हर एक्टर को, और मुझ में वो लड़ने की ताकत है कि वो फ्राइडे मैं ढूंढ रहा हूँ. और हैप्पी हार्डी हीर को साइन करने से पहले मुझे लगा था, क्योंकि माई वाइफ टोल्ड मी जैसे तुमने लुक्स में रीइन्वेंशन किया, शी इज़ रिटन द स्क्रीन प्ले, माई वाइफ सोनिया कपूर, तो शी टोल्ड मी कि यार अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एज एन एक्टर वो रीइन्वेंशन करना चाहिए. जैसे तुमने लुक्स में किया तो लोग तुम्हें लुक्स के लिए ओपनली देते हैं, तो उसी लेवल पर जब तुम एक्टिंग में करोगे तो तुम्हें एक्टिंग के लिए भी वो डिबेट ख़त्म हो जाएगा कि उसको एक्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 90% लोग सक्सेस तुम्हें सपोर्ट करते हैं. तो डबल रोल में हरप्रीत सिंह लांबा और हर्षवर्धन भट्ट में मुझे हिमेश रेशमिया की झलक नहीं दिखाई देनी चाहिए. दैट वॉज वॉट शी फेल्ट. एंड देन मैंने एक प्ले की तरह लाइन्स को याद किया, उसके बाद हमने वर्कशॉप्स की, और दिस द फर्स्ट लव स्टोरी दैट आई एम डूइंग. मैंने खिलाड़ी में कॉमेडी की है, एक्सपोज में थ्रिलर में, सो एक्शन फिल्म थी तेरा सुरू. सो ओवरऑल दिस द फर्स्ट लव स्टोरी दैट आई एम डूइंग एंड आई बिलीव्ड इन द स्टोरी. एंड दिस फिल्म इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्रेट म्यूजिक, क्योंकि मैं म्यूजिक की इस वक्त बात इसलिए कम करूँगा बिकॉज म्यूजिक हिट हो चुका है. तेरी मेरी कहानी हो, आशिकी में तेरी हो, हीरे क्यूरी पाए, टिकटॉक क्या है, अभी डुग्गी नाम का गाना आया है. बट इट्स अबाउट अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड सम गुड परफॉर्मेंसेज. बट क्या वो सच है क्या, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज हर एक्टर बोलता है कि आपकी पिक्चर, उसको तो अपनी पिक्चर अच्छी लगेगी. सो ये जो ऑड जर्नी है, उस जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा डिफिकल्ट था, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट. बट अब 31 जनवरी को वो पॉइंट ऑफ व्यू फिर पता चलेगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. एंड मैं जीतना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई मेरे बारे में वो पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो आई फील कि उसका अपना, उसको जीतना चाहिए. इट रियली मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर. सो आई एम ओके विद इट. मुझे लगा कि इसमें एज एन एक्टर मुझे जो करने को मौका मिलेगा, आई थिंक आई विल बी एबल टू विन देम ओवर जो मुझे पसंद नहीं करते एज एन एक्टर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म. बहुत गुड लुकिंग फिल्म है, स्कॉटलैंड में बहुत अच्छी तरह शूट हुई है, कपड़े स्टाइलिश कपड़े, म्यूजिक है, रोमांस है, मोमेंट्स हैं, बट एक अच्छी कहानी है और कुछ बहुत सेंसिटिव परफॉर्मेंसेस हैं. अब एक गेम चेंजर फ्राइडे की जो मुझे तलाश थी, मुझे लगता है कि ये वो फ्राइडे है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी.